आज इनके सपना पूरा भवा है भैया, हम मजा दवा दियो। अरे भैया तुहार तो पूरा काले जाले पाँचों गुड़िया घी में है, तुहार का मजा दवा दी पाँचों गुड़िया घी में है। एंजल तेजा जो बम्बई से पर्सनल उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिला जो है वहाँ पर आए ही गाना शूट करके, और याद है देखो इनका भी नहीं देखे होगा लेकिन आज इनसे हम मिलवाए थे। गाइस तो कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। तो गाइस आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो वीवो V25 प्रो वाला फ़ोन है, उस फोन में ऐसे लाइन आ गया है लेकिन ना तो वो टूटा है ना ही फूटा है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वहीद ब्लॉग में। तो चलते हैं आज की वीडियो में शुरू करते हैं। तो मैं कल गया था और मोबाइल के शॉप पर, तो वहाँ से मुझे बताया कि ऐसा कि आपका फ़ोन है तो मैं वो सही करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप बिल लेके आइए, डिब्बा लेके आइए। तो भाई देखते हैं, अगर बिल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो समझो कि 18-19 हज़ार रुपये का डिस्प्ले जो है वो मुझे या तो लगवाना पड़ेगा या तो फिर वैसे चलाना पड़ेगा। तो भैया 19-20 हज़ार रुपये हम लगाएंगे तो नया फ़ोन ले लेंगे हम। वैसे कंडीशन नहीं है नया फ़ोन लेने की, लेकिन मजबूरन उसी को चलाना पड़ेगा और देखेंगे जैसा होगा आगे वैसा हम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज जो है, आज गाने वाला वीडियो जो है वो शूट होने वाला है, तो अभी हम भी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, शोएब भी आएगा साथ में जाएगा। कहाँ पर क्या होना है, आज पहला दिन है और कैसे क्या करना है हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा एंजॉय करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा। अगर नहीं देखेंगे भाई, स्किप कर देंगे तो वो बात नहीं रहेगी। तो उससे पहले हम नीचे चलते हैं और पहले वीवो V25 प्रो का जो डिब्बा है, जो बिल वाला, वो तलाश करते हैं, तलाश करके उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद में आगे सोचते हैं कि मुझे करना क्या है। और फ़ोन को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि हम क्या बताएं। तीसरी बात यह है कि लड़के का जो एडमिशन मेरा होना था वहाँ पर तो हो गया है, लेकिन मदरसे में जहाँ पढ़ रहा है तो 1 से लेकर 5 तक ही, उसका नाम वही है लेकिन जो आधार में है आधार के हिसाब से नहीं है। मेरा नाम सही है, माता का नाम गड़बड़ है, उसका नाम गड़बड़ है, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है। तो हमने कहा कि आधार के हिसाब से उसका 6 में एडमिशन कर लीजिए और वो उसके बाद में फिर वो जब अपडेट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इसके लिए भी मुझे बात करना है, थोड़ा सा जाकर बताना है मदरसे पर। और ये हमारे गांव का थोड़ा सा व्यू है, ये देख लीजिए आप लोग। और दूसरा चीज़ जो यार, कबूतर हम लेके आए थे भाई ना, हम लाए थे तो बहुत छोटा था, यहाँ तक कि उसके मतलब जिसम पे बाल भी नहीं थे, अब बाल भी, अब ये उड़ने लगा है, यहाँ से उड़ता है जाकर वहाँ बैठता है, वहाँ से उड़ता है जाकर वहाँ बैठता है, तो ये दिक्कत है। बाकी डॉक्टर साहब आगे हैं, हमारे पड़ोसी में भाभी माई लगती तो उनकी तबीयत ख़राब है, शायद BP मतलब हाई हो गया है, क्या हो गया है। तो डॉक्टर साहब को बुलाए थे कि यार चेक कर लो, देख लो क्या मसला है, उसके बाद में जैसा होगा तैसा वो बताएंगे। तो चलते पहले अपना हम काम करते हैं, जो मुझे ज़रूरी है वो वाला करते हैं, उसके बाद में फिर आगे देखते हैं क्या करना है। और भाई बहुत तलाश करने के बाद में भी मतलब वो बिल नहीं मिला वीवो V25 प्रो का। शाम को एक बार और देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर समझो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और एक बात और है कि मतलब जो मदरसे वाला मैं बात कर रहा था एक दिन अपने वीडियो में, भाई मुझे मदरसे को लेकर बहुत फिक्र है यार, सही बता रहे हैं हम। जहाँ पर 500 से 600 बच्चे पढ़ रहे हों, 2-3 गांव 4 गांव के बच्चे आ रहे हों और 8 तक पढ़ाई होती हो, और वहाँ पर अगर हिफ्ज का कोई बंदोबस्त ना हो तो समझ लीजिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई लोग जुड़े हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और प्रोफाइल रील पे, सबसे हमारी एक गुजारिश है कि वो लोग अगर कुछ इमदाद करना चाहें तो मैं उनको एक नंबर दे दूंगा और उस पर वो कर सकते हैं, जिससे आपको भी नेकी मिलती रहेगी और ये ताउम्र तक नेकी मिलती रहेगी। भाई बहुत इल्तिजा है हमारी आप लोगों से कि अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो कम से कम जो यहाँ के बच्चे हैं वो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे और उनको यहीं पर हिफ्ज़ वाली तालीम मिलती रहेगी और गांव के भी बच्चे
यहाँ पर आएंगे हिज करने के लिए, तो अल्लाह ताला यहाँ पर लोगों का दिल देखता है कि यहाँ लोग मस्जिद में मदरसे में कितना इमदाद कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाब जो है वो तक कयामत तक आपको मिलता रहेगा जब तक वहाँ पर बच्चे इल्म हासिल करते रहेंगे। तो गुजारिश है आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ आप लोग करेंगे तो हम आपको नंबर भी दे देंगे अगले वीडियो में, और जितना हो सकेगा उतना आप लोग करिएगा उस पर, क्योंकि ये काम अगर हो जाता है तो हम सब के लिए भी ठीक है, आलमी इस्लाम के लिए भी ठीक है। तो चलते हैं वीडियो शूट करने के लिए भाई, आज गाना वाला वीडियो शूट होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, वो सारा चीज़ हम दिखाएंगे अपने। बाकी ये व्यू देख सकते हैं, लोग खेतों में अपने खाद की बुआई करने लगे हैं, धान काफ़ी बड़ा हो गया है और खाद की ज़रूरत है, बारिश अपना के बराबर होने लगी है, इतना तेज़ धूप होता है, इतनी उमस होती है, इतनी गर्मी होती है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सिसवा पहुंचने के बाद में पता चला कि हमारी टीम वाले सब निकल चुके हैं उन लोगों के साथ में, तो ढूंढते ढूंढते मैं बंधे के नीचे पहुंचा हूं। ये पिपली गांव देख सकते हैं, तालाब है और यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग हैं, ठीक है। तो चलकर वहाँ पर देखते हैं हम, और अगर हो सकेगा तो मैं उस वीडियो को ज़रूर दिखाऊंगा, अगर नहीं हो पाया भाई तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ब्लॉग में अपना पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा। बाकी सब लोगों की गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है, एकदम से पूरा देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। और ये चित्तौड़गढ़ बांध है, बांध का नज़ारा, ये गाँव है, ये सारा चीज़ है। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको, हम देख सकते हैं यहाँ पर सब पूरे गाँव वाले इकट्ठा हैं भाई। गांव के अंदर कोई भी वीडियो शूट करना आसान नहीं भाई, गांव के जो लड़के होते हैं, लड़के तो छोड़ो, जवान बूढ़ बुजुर्ग सब लोग हैं, खैर उधर आड़े चला गया है नहीं तो हम दिखाई देती, सब लोग लगा है वहां देखे करती। बाकी हम लोग यहां बैठ के अपन आराम करते हैं, 10 वीडियो शूट हो के गाना कहे, अभी 10 वीडियो में यहाँ सिर्फ हमारे ख्याल से दूसरे पर यहाँ नंबर लगाए हैं। अब देखो काबले कई दिन लागत है, 2 दिन लागत है, 3 दिन लागत है भाई, ये आया है तो अपन पूरा काम टेके जी हैं, और कुछ लोग यहाँ पे यहाँ है बैठा, ये गांव हुए देख सकते हो, अब उधर गया है एकदम से, लोकेशन जोन है तो जबरदस्त ढूंढे हैं, लगा थे कि हाँ मतलब कोनो गांव में यहाँ हन, कोनो जगह पे यहाँ हन, ये देखो। और यहाँ भाई लोग यहाँ बैठा है जिन्होंने सब आनंद लिए थे बैठ के, ऐसे बढ़िया है जगह का, जब मोबाइल पर आई देखो तो मजा आई देखे में। यहाँ सुबह से जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से सिर्फ वीडियो गाने का रिकॉर्डिंग चल रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी वहाँ कभी यहाँ, धूप भी इतना तेज़ है कि इस धूप में सबकी हालत हो गई है ख़राब, और उसके बाद में भूख भी लग गई है। तो भाई ये गांव है और गांव में मतलब होटल भी नहीं है, कहाँ पर मिलेगा कुछ खाने पीने के लिए, तो हमने दिमाग लगाया है कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर है तो वहाँ पर हम जाते हैं चित्तौड़गढ़ बांध पर, तो वहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं तो वहाँ पर हम लोग कुछ खाएँगे, और खाने के बाद में तब फिर यहाँ पर आएँगे और आगे वाला जो सीन होगा वो चीज़ हम दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं कि मतलब शूटिंग जारी है, चल रही है एकदम से, बस बाइक की वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं, गाड़ी चाबी जो है हमारा चाबी कोई दूसरा लेके गया है, आ जाए तब फिर निकले यहाँ से। हम सोच कर गया था कि चलते हैं बंधे पर और वहाँ पर कुछ खाते पीते हैं, लेकिन बंधे पर ना जाकर गाँव ही में मतलब व्यवस्था टाइट मिल गया, तो वहीं पर हम लोगों ने मतलब खा पी कर चाय वाय पी के फिर उसके बाद में वापस आए हैं। तो देखते हैं ये काम कब तक चलता है और कब तक यहाँ पर रुकना पड़ता है, ठीक। अभी तो सब बंद है, लोग अपना गर्मी की वजह से आराम कर रहे हैं, थोड़ा मौसम भी मतलब चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, जिस तरह की धूप थी वो धूप एकदम से मतलब ही जा रही है। आज सब लोग लगा है और कोई आपन मौका हाथ से नहीं दिया जाए चाहत है, देख लो अब वहाँ पर यहाँ कॉलेज जब शूट ख़त्म हुआ है तो लोग रील वीडियो बनाओ के चक्कर में वहाँ खड़ा है, यहाँ पर रील वीडियो बनत है, ये है भाई बहुत मेहनत पड़ा था भाई, बहुत मेहनत। गुड्डुन का तो पहचानते हो ना, देखो आज इनके सपना पूरा भवा है, हाँ
एक जान लो, लेकिन अभी इनके एक गाना अनु बाकी अभी गाना इनके शूट में बाकी है। और एकरे बाद में खाली यही नंबर लागे वाला है भैया, हमू मजा दवा दियो। अरे भैया तुहार तो पूरा काले जान लो, पाँचों गुड़िया घी में है, तुहार का मजा दवा दी। पाँचों गुड़िया घी में है अरे सोलह सेकंड के नहीं मारते हैं भैया, हमारे हम जानी थे। हाँ सोलह सेकंड नहीं मारते हैं भैया। सुहेल बाबू कुछ कहा चाहते हैं? गाइस हम ये कहा चाहते हैं कि हमारे इनके गाना सुपरवे से शूट हुआ था, हमारे खाना वाना नहीं खाए हैं, सब जने भूखे हैं और घाम इतना ज्यादा रहना गाइस कि हमारे करिया रहे लेकिन उनका डबल करिया हो गया मालूम है। और ऐसे चार दिन और मेहनत कर दिया जाए तो क्यों ना पहचान पाई वो, लेकिन फिल्टर का इस्तेमाल हमारे लोग करा जाता है, एक नाते हमारे मेहनत करी थे बाबू। फेरन लबड़ी लेके चला करो, फेरन लबड़ी जो है ना हमारे हाँ। ना लगाई थे हमारे माटी और वो से धोई थे फेरन लबड़ी। हाँ आओ आओ कैमरा दिखाई, आओ कहा दिखाया जाता भैया। देखो गाइस ये वो कैमरा बड़का वाला, ऐसे गाना शूट होता है, इतना बढ़िया गाना बनाते है ऐसे ना गाना। हाँ ऐसे गाना शूट होता है। और गाइस आप लोग कहा दिखाई, यहाँ रील बने जाते देख लो। तो गाइस आओ यहाँ देखो गाइस, ये हुए एंजल तेजा जो बम्बई से पर्सनल उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिला जो है वहाँ पर आए ही गाना शूट करे करती हमारे सबके गाना मैया। और ये हुए शिवम पचपड़वा वाले, वीडियो बहुत भारी भारी बनाओ थे। और ये आधे देखो इनका अभी नहीं देखे होगा लेकिन आज जिनसे हम मिलवाए थे, अपन नाम बताओ पहले। सरिता डांसर उतरौला, राइट उतरौला से आए ही पर्सनल, मतलब यहाँ पर अपने सबसे पूरे टीम वाले से मिले और काफी अच्छा लगा मिलकर। और हमारे सब भैया शूट करी थे और ये अलग दिखाई दियो लड़के के गांव वाले के। तो गाइस देख सकते हो इतना अभी लड़के कम है, पूरे गाँव के लड़के कम से कम 25 गांव के लड़के यहाँ रहे, तो कैसे भी कह के लत्तन मुक्कन हमारे शूट के लिए। और अभी बाकी ये दूसरे जगह जाओ जाते शूट करे। तो गाइस तोरे सब काम ग्रुप जब पानी दिखाई थे यहाँ पनिया दिखाया भाई, पनिया दिखाया हम गाइस ये पोखरा। हाँ तो पनिया दिखाया मन मछली ही खाली। अभी एकरे आगे गाइस वही भाई बोली है अब हमारे जाए थे वीडियो शूट करें। तो एकरे आगे भैया हम कहा बोल दी, एकरे आगे ये हम कहा चाहे थे ना कि जो गाना वाला रिकॉर्डिंग हो थी यूट्यूब पर यहाँ आई। कौन यूट्यूब पर आई यार? पागल कौन है यार, बुलाई जी से तुम्हारा हमने बोला। हां सुहेल शाह। हां बोला उफ मंसूरी। उफ मंसूरी ना है? हां बोलो। अरे वो है बने। हां कौन चैनल पर आई? चैनल लोग जैसे दो सभी चैनलवा नए बनावा गया है ना, मेन बात ही है चैनलवा नवा बनावा जाई नहीं, जैसे अपन वाला तो हमें पता है ना। तो अपन भाई चैनल के थोड़ा डिस्कस अभी नए भाई, चैनलवा जैसे दुई रही समझा। तो इकरे नाते चैनल गाइस बस एक वीडियो पर्सनल चैनल करते बनावा जाई कि आप लोग का हमारे बता दिया जाए कि उन्हें चैनल पर गाना है, क्या अभी डिसाइड ना है भाई यार। गनवा ज्यादा कुल है मैंने बात ना, गनवा ज्यादा तो दूसरे मतलब बाकी और जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि वहाँ पर आपको पूरा अपडेट मिली पूरा भरपूर समझो। तो एक गाना हमारा है लेकिन हमें बाकी यहाँ सब देख लो रील वील बनाते अपने घरे भैया। तो फाइनली आज का पूरा शूट एकदम से कंप्लीट हो चुका है और फिर यहाँ से अब हम निकलते हैं। बाकी वो लोग भी अपना जा रहे हैं क्योंकि उनका घर यहाँ से कम 40 से 45 किलोमीटर दूरी पर है, सिद्धार्थ नगर में है। और हमारा भी कुछ काम है तो हम निकलते हैं यहाँ से। और आज की वीडियो बस इतना ही है, वीडियो में अगर अच्छा लगा हो आज का तो लाइक और शेयर जरूर करिए भाई और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझे बहुत मेहनत करने के बाद में भाई जब ब्लॉग कंप्लीट होता है यार कसम से, अब सोच लो इतनी धूप में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद में तब जाकर हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है अभी भी, यानी शूट ख़त्म होने के बाद में लोग अभी घर नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये देखिए बाकी शुभ भाई उधर है, इमरान उधर है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।